Good morning, dear students. So today let's start question third, and this is the last question of this exercise. So let's do it. Examine whether you can construct triangle DEF such that EF is 7.2 centimeter, angle E is 110 degree, and angle F is of measure 80 degree. Now justify your answer. इसने पूछा है कि ये आपको ये चीजें दी हैं. एक साइड गिवन है, नाउ गिवन आपको क्या क्या गिवन है. ई एफ आपका एक लाइन सेगमेंट गिवन है 7.2 सेंटीमीटर. नाउ एंगल एफ इज ऑफ 80 डिग्री. नाउ एंगल ई इज ऑफ 110 डिग्री. इसने कहा है आपको ये तीनों चीजें दी हैं और आपको ये बताना है क्या हम ऐसी ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं. हम बना के बाद में देखेंगे, पहले इसमें कुछ आपको नजर आ रहा होगा अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो. बनाएंगे तो बाद में बनेगी तब बना पाएंगे ना हम. अब ध्यान से देखिए, जैसे आपने 7.2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया ई एफ, अब इसने ना ई एंगल दिया है 80 डिग्री का और एफ एंगल दिया है 110 डिग्री का. तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से ये दोनों एंगल बनाइए 80 और 110 का, और आप इनको एक्सटेंड कर दिए. ये कभी भी आपके कट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे जाएंगे कि कट ना हो. अगर ये कट हो जाएंगे तो ट्रायंगल ही बन जाएगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि वो कट नहीं होंगे. आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि 80 और 110 के आप एंगल्स बना के देखिएगा. लेकिन इसका रीजन क्या है वो बताते हैं हम. इसका रीजन क्या है, बाय एंगल्सन प्रॉपर्टी, बाय एंगल्सन प्रॉपर्टी. देखिए आप एंगल्सन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का समापन कितना होता है 180 डिग्री. अब तीनों का सम 180 डिग्री होता है और यहां देखिए खाली आपके दो एंगल्स हैं, इन्हीं का सम कितना है 190 डिग्री. एंगल डी की मेजर निकालते हैं हम, ये कितना आपका 110 और एफ कितना है 80 डिग्री. और ये देखिए यहां से आपका एंगल डी कितना आया -10 डिग्री. क्या एंगल कभी माइनस में भी होता है आपका? कभी नहीं होता, या तो जीरो होगा, 0 to 360 ही होता है आपका एंगल. उसके बाद तो आपके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे आप, लेकिन 0 to 360 ही आपका एंगल्स की मेजर होती है. और यहाँ नेगेटिव में आई है. अब तीनों का सम 180 डिग्री होना था, लेकिन आप देखिए दो है खाली, दो ने कितना बना दिया 190, तो तीनों का 180 कैसे होगा. तो आप इसने कहा जस्टिफाई यूर आंसर, कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए. तो हम क्या लिखेंगे, नाउ बाय ऑब्जर्वेशन हमने देखा, बाय ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट, क्या मिला हमें ऑब्जर्वेशन से, सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 180 डिग्री. ये दो एंगल्स का सम ही आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री है. सो वी कांट कंस्ट्रक्ट, वी कांट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, हम ट्रायंगल नहीं बना सकते किससे, विद गिवन मेजर्स. ये जो गिवन मेजर्स है, ये वाली जो हमें दी गई हैं, हम इनसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. इसने यही पूछा था कि क्या आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ या ना तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए. तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि जो हमारा दो एंगल्स का सम है वो ग्रेटर देन 180 आ रहा है, इसीलिए हम इन मेजर से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. सो बहुत इजी था, आप देख सकते हैं कुछ आपकी आपने पहली वाली क्लासेस में भी पढ़ी थी, ऐसे के ट्रायंगल्स नहीं बना सकते इन साइड से. तो अगर आपकी दो साइड्स का सम, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, कि अगर आपकी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से छोटा रह जाता है तो आप वहां भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते. अगर आपके पास इसके बजाय तीन साइड्स दी हो और ऐसा लिखा हो जैसे कि आपका दो साइड्स का सम है, जैसे इसने दी हो ऐसी साइड कि एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4, और जो दूसरी है वो भी कितनी है 3 है, तो आप देखिए 3 + 3 = 6, जो 4 से बड़ा है. 4 + 3 = 3 से बड़ा है. कोई भी दो साइड्स आप ऐड कर दीजिए, छोटे वाली वो आपकी बड़े वाली से
बड़ी ही होनी चाहिए। लेकिन अगर यहां मैं लिख देती हूँ 8, तो देखिए आप अब इन मेजर से आप साइड ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, बिकॉज 3 + 3 = 6 एंड 6 इज लेस देन 8। अगर आपकी कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड वाली साइड से छोटा रह जाता है तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, चाहे आप किन्हीं भी दो को ऐड करके देख सकते हैं। ओके, तो इसमें 3 + 3 आपकी 6 है जो लेस देन 8 है, इसीलिए वी कांट फॉर्म ए ट्रायंगल बाय दिस मेजर्स। सेम हियर, अगर आपका कहीं कभी ऐसा दिखता है, अगर इन तीनों का सम ग्रेटर देन 180, अगर सिर्फ 180 भी होता तो भी हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, बिकॉज थर्ड एंगल कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, जीरो का मतलब तो वो एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तीनों को मिलकर 180 बनाना है, कोई भी दो आपकी 180 या 180 से बड़े नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।